बिहार में बाहर है एनडीए का सरकार। हमारा मांग था कि बिहार आगे बढ़े, कुछ अच्छी आर्थिक सहायता मिले जिससे हम आगे चल सके, और हम मानते हैं कि आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि बिहार को वो आर्थिक सहायता मिली है। जो भारत सरकार ने जो दिल खोल कर करके बजट में जो बिहार के विकास के लिए किया है, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, देश के वित्त मंत्री जी का, मैं हृदय से बिहार के एक सांसद होने के नाते मैं बधाई करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये बजट पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है जिसमें चार स्तंभ हैं, महिला, युवा, किसान, ये हमारे जो चार स्तंभ है, मजदूर, लेकिन बिहार में जिस कहते हैं हम बिहार में बाहर है एनडीए का सरकार है, बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। बहुत खुशी की बात है, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, और हमने अपने मेडन स्पीच में भी एक मांग रखी थी कि बिहार को स्पेशल पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। 14th कमीशन के बाद, अगर 14th कमीशन की रिपोर्ट जो है उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा किसी को नहीं मिला है, और जो यूनियन बजट है वो उसी पे बनता है। तो विशेष राज्य या विशेष पैकेज सिर्फ टर्म का डिफरेंस है। हमारा मांग था कि बिहार आगे बढ़े, कुछ अच्छी आर्थिक सहायता मिले जिससे हम आगे चल सके, और हम मानते हैं कि आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि बिहार को वो आर्थिक सहायता मिली है। अगर वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें जिसमें 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, या आप विद्युत विभाग देखें जिसमें भागलपुर में 2400 मेगावाट का 21,000 का प्रोजेक्ट पावर प्लांट तैयार हो रहा है, इसके अलावा अगर आप फ्लड मिटिगेशन को देखें, क्योंकि बिहार फ्लड प्रोन है, नॉर्दर्न बिहार में बहुत बाढ़ की समस्या रहती है, फ्लड मिटिगेशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके अलावा विमेन लेड डेवलपमेंट है, बेरोजगारी का जो मांग था जहां वहां पे युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम लिया है। जिस तरह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए उन्होंने प्रावधान बनाए हैं, इस बजट में बहुत खूबसूरती से बिहार के टूरिज्म को आगे लेके जाया गया है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे जो बनेगा वो उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आएगी, तो उस बात की भी बहुत खुशी है कि वो समस्तीपुर होते हुए निकलेगा, हम चाहेंगे कि वो समस्तीपुर होते हुए निकले। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जिस तरह से राजगीर, गया, बोधगया, नालंदा पे फोकस है टूरिस्ट विभाग का, तो ये सारी चीजें हम मानते हैं कि इससे बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, विकास की गति को और रफ्तार मिलेगी, और बहुत मजबूती से नए इन्वेस्टमेंट, नए इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रोजगार का वहां समस्या था, ये सब को हम लोग ये सारी समस्याओं से डील करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले 5 साल में पूरा चेहरा बदल जाएगा बिहार का, लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम लोग सब जितने भी लोग आज इस बार सदन में चुन के आए, सबकी यही मांग थी कि नहीं, बिहार लगातार मजबूती से एनडीए के साथ खड़ा है, और हम मानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी आवाज को सुना, बिहार की आवाज को सुना, उनके लिए तहे दिल से उनको हम आभार प्रकट करते हैं, और हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में बिहार जब एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, एनडीए भी बिहार के साथ उतनी ही मजबूती से खड़ा रहेगा। बिहार में निश्चित रूप से बाहर है या फिर से एनडीए ही सरकार है और रहने वाली है, और इसके लिए जो भारत सरकार ने जो दिल खोल कर करके बजट में जो बिहार के विकास के लिए किया है, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, देश के वित्त मंत्री जी का, मैं हृदय से बिहार के एक सांसद होने के नाते मैं बधाई करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है बिहार के विकास का जिन्होंने उसमें कहीं कोई कोताही करने का काम किया हो, चाहे वह पीएम जेएसवाई की रोड की बात हो, चाहे वह बोधगया की बात हो, चाहे नालंदा के टूरिज्म की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हर क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेजों की बात हो, या सारी चीजों में जिस तरीका से बिहार के प्रति भारत सरकार ने जिस तरीका से दिल खोल कर करके बजट में व्यवस्था किया है, इसके लिए मैं बार बार बिहार वासियों की तरफ से, अपने क्षेत्र महाराजगंज की तरफ से, महाराजगंज वासियों की तरफ से, मैं केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से बधाई करता हूं, हृदय से धन्यवाद करता हूं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.